नमस्कार, मैं हूँ प्रिया झौर, आप देख रहे हैं एसडी न्यूज। उत्तर प्रदेश के लोकसभा सीट पर बीजेपी के द्वारा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार चुने गए हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के जुबली स्टार निरहुआ यानी कि दिनेश लाल यादव। आपको बता दें कि निरहुआ 6 जून को वहां पहुंचे थे अपने नामांकन के लिए, जहां पर उनके साथ उनके कई भोजपुरी दोस्त जो हुए या भाई भी कह सकते हैं वो भी पहुंचे, जिसमें सबसे ज़्यादा नाम, सबसे बड़ा नाम जो सामने आया है वो है भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह का। आपको बता दें कि पवन सिंह ने ना सिर्फ नामांकन के वक्त उनका साथ दिया, बल्कि उसके बाद जो जनसभा बुलाई गई थी वहां भी उन्होंने सबको संबोधित किया और संबोधित कर कहा कि मेरे भाई को आपने जिस तरीके से जुबली स्टार बना दिया है भोजपुरी का, उसी तरीके से अब आप इसे सांसद भी बना दीजिए। उन्होंने कहा कि ये एक भाई कह रहा है अपने भाई के लिए अपने भाइयों से। वहां पर उन्होंने स्टेज पर भोजपुरी में गाना भी गाया और लोगों को संबोधित किया कि वो उन्हें निरहुआ को जरूर जिताए। आपको बता दें कि इसमें खास बात यह रही कि पवन सिंह के साथ उनकी तथा कथित गर्लफ्रेंड स्मृति सिन्हा भी थी। चश्मा लगा ला, एगो भाई जेके आप सब नाम ले रहे हो, पवन सिंह पावर स्टार, पावर स्टार भगवान है यार, भैया हो शेर है शेर, पावर स्टार रिकॉर्ड मशीन जुबली स्टार जो भी बनाना है सब आप ही लोग, शेर है आप, हमारे भाई आप शेर हैं। दिनेश लाल यादव जी को इस बार आप लोग आशीर्वाद देके भारी मन से कमल छाप पर बटन दबा के बटन दबा दीजिए जरूर भैया। पवनवा के जहाँ तक आवाज जाता हमारे भाई के कान कान तक पहुँच जाता है, दोनों हाथ उठा के बोला जाता है एक माला ना हो सबका पहनाइए भैया, कि इस नए दौर में हमारे भाई से ज्यादा केहू जुबली सिनेमा हॉल में भैया हो, आप वही लोग हमारे भाई की जुबली स्टार बनाने बन जा और आप वही लोग हमारे भाई के सांसद बने बन जा जरूर, आपको इतिहास देना है भैया जरूर जरूर, आपको बता दें कि 2019 में भी निरहुआ जो है वो बीजेपी की तरफ से लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवार बने थे, लेकिन वो पिछली बार 2,50,000 लगभग इन वोटों से हार गए थे। इस बार देखना काफ़ी मुलाजिम होगा, मतलब देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि क्या इस बार निरहुआ सचमुच सांसद बनकर उभरते हैं या फिर इस बार भी पीछे रह जाते हैं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहिए एसडी न्यूज़ के साथ।